हिंदू धर्म में मरने के बाद लाश को क्यों जलाते हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, इसके धार्मिक और साइंटिफिक दोनों तरह के कारण हैं। तो आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में मरने के बाद लाश को क्यों जलाते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। आग, पानी, हवा, धरती और आकाश, इन 5ों तत्वों के मेल से हमारा शरीर बनता है। जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके शरीर से आत्मा निकल जाती है, क्योंकि हिंदू धर्म में आत्मा को अजर और अमर माना गया है, और बचता है केवल हमारा शरीर, जिसे आप उन्हीं 5ों तत्वों में मिलाना होता है। इसलिए जब किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसको सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराया जाता है, फिर उसको अग्नि दी जाती है, अर्थात जलाया जाता है, और फिर उनकी राख को गंगा में विसर्जित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं साइंटिफिक कारण की। तो दोस्तों, पुराने ज़माने में जब मेडिकल ने इतनी तरक्की नहीं की थी, तब कई तरह की भयानक बीमारियां इंसान को लग जाती थी, जो कि हवा में फैल कर दूसरों को भी बीमार कर देती थी। इसी तरह की बीमारी से यदि कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसके आसपास वाले लोगों का भी बीमार होने का खतरा बढ़ जाता था। इसी कारण से हिंदू धर्म में मरे हुए व्यक्ति को जलाने की प्रथा है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट कर जरूर बताएं कि क्या आपको यह साइंटिफिक रीज़न अच्छा लगा। धन्यवाद।